नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं रश्मि विद्यांत फिर एक जबरदस्त रेसिपी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही जबरदस्त, एकदम से यूनिक और साथ ही सुपर डिलीशियस साबूदाने का खीर बनाने के लिए प्रस्तुत हूँ। देखिए इसका थिकनेस देखिए और साथ ही ये साबूदाने का खीर बिल्कुल से दानेदार है। एक एक दाना सेपरेट सेपरेट दिखाई दे रहा है, मतलब साबूदाना बिल्कुल से दूध में मेल्ट नहीं हुआ है, ये सेपरेट दिखाई दे रहा है। इसका भी टेक्स मैं बताऊंगी। तो आ गया ना मुंह में पानी, देखते ही खाने का मन करेगा। देखने में कितना यमी सा लग रहा है, तो खाने में कितना यमी लगेगा इसका अंदाजा आपको अभी तक लग ही गया होगा। और साथ ही बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट से मिनटों में मैं इसे बनाऊंगी। और इस खीर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस खीर को आप गाय के पतले दूध से भी आप इसे कुछ ही मिनटों में इस तरीके से थिक कर सकते हैं, क्योंकि साबूदाने में लिसलिसापन होता है, इसलिए ये खीर फटाफट से गाढ़ी हो जाती है। तो इसके लिए जो कुछ भी मैं छोटे मोटे से टिप्स दूंगी उसे वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिए और इस रेसिपी को एक बार घर पर जरूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मुझे जरूर दें। रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और आखिरी में चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, जाके मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ फ्रेंड्स, फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल ले और बाउल में ये आधी कटोरी साबूदाना डाले, वजन से ये 75 ग्राम है। तो अब इसका सीक्रेट ट्रिक्स ये है कि साबूदाने को 3 से 4 बार पानी डालकर अच्छे तरीके से वॉश कर ले, इससे साबूदाना मेल्ट नहीं होते, वो दानेदार बने रहते हैं। पानी जो सफ़ेद हो गया है इसी से साबूदाना मेल्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए पानी को हटा दे। तो अब इस पानी को छानकर फेंक दे और इसी प्रकार से 3 से 4 बार रगड़ रगड़ कर बार बार से वॉश करें। 3 से 4 बार मैंने साबूदाने को वॉश कर लिया, अब पानी बिल्कुल से ट्रांसपेरेंट हो गया, इसमें बिल्कुल भी सफ़ेदी नहीं है। तो अब वैसे तो इसी पानी में आप साबूदाने को भिगो सकते, लेकिन मैं पानी से इसे नहीं भिगोंगी, इस पानी को छानकर मैं हटा दे रही हूँ। पानी को छानकर मैंने हटा दिया। खीर को एक्स्ट्रा यमी बनाने के लिए मैं इसे दूध से भिगोंगी। ये गाय का पतला दूध है, ये मैंने आधा लीटर लिया है। तो इसमें से मैं आधा दूध को साबूदाने में डाल दे रही हूँ और आधी को एक किनारे रख दे रही हूँ, उसका यूज बाद में करूँगी। ध्यान दीजिए, दूध बिल्कुल से नॉर्मल टेम्परेचर कर लीजिए। अगर आप ठंडा दूध डालते हैं तो साबूदाना बिल्कुल से अंदर से सख्त रह जाएंगे, इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर का दूध डालें। और अब इसे 2 घंटा फूलने के लिए ढककर छोड़ दें। दो घंटा हो चुका है, साबूदाना फूल के बिल्कुल से डबल हो चुका है। आप देख सकते हैं साबूदाना बिल्कुल से सॉफ्ट हो चुका है, जिसकी वजह से दबाने से ये मैश हो रहा है। अगर ये मैश नहीं हो रहे हैं तो इसे कुछ देर और भीगने के लिए छोड़ दें। तो अब इधर मैंने मोटे तले वाली कढ़ाई ली है। आप इस खीर को बनाने के लिए कोई भी मोटे तले वाले बर्तन यूज कर सकते हैं। तो अब इसमें साबूदाने वाले दूध को डालें और अब इस बचे हुए साबूदाने में 1 टीस्पून देसी घी डालकर मिक्स करें, इससे भी खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और अब कढ़ाई में आधा लीटर दूध में से आधा दूध बचा के जो रखा गया था उसे भी डाल दें और अब इसे थोड़ा चलाएं और उबाल आने तक का इंतज़ार करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूध में उबाल आ चुका है, तो आप फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम में एडजस्ट करते हुए इसे पकाना है, मतलब पूरे प्रोसेस को आप लो टू मीडियम फ्लेम में ही कुक करना है। तो अब घी से कोटेड साबूदाने को डालें और लो टू मीडियम फ्लेम में एडजस्ट करते हुए इसे चलाते हुए साबूदाने को कुक करें
और दूध को गाढ़ा करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूध काफी गाढ़ा हो चुका है, ऑलमोस्ट ये गाढ़ा हो ही चुका है। इसे गाढ़ा होने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगा है। तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले। ड्राई फ्रूट्स में मैंने 4 से 5 बारीक कटे हुए काजू लिए, 4 से 5 बारीक कटे हुए बादाम लिए और 10 से 12 किशमिश लिए। इसे डाले। वैसे आप अपने अकॉर्डिंग भी ड्राई फ्रूट्स कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास है। और यहाँ पर अब स्वाद अनुसार मीठा डालें, जितना मीठा आपको पसंद है। तो यहाँ पर मैं मीठे में खजूर का गुड़ ली हूँ। अगर आपके पास खजूर का गुड़ नहीं है तो आप शक्कर भी इसमें डाल सकते हैं। तो अब इसे लो फ्लेम में बस मिक्स करें। यहाँ पर एक बात का खास ध्यान दें कि मीठा हमेशा साबूदाने के कुक होने के बाद ही डालें, मतलब बिल्कुल से आखिरी में डालें। अगर पहले ही डालेंगे तो साबूदाना कुक नहीं हो पाएंगे। तो अब बस जस्ट 2 मिनट फ्लेम को लो करके गुड़ को मेल्ट करें, क्योंकि खीर तो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, खजूर का गुड़ बिल्कुल से मेल्ट हो चुका है। तो अब फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडा कर ले, ताकि ये और भी ज़्यादा थिक, क्रीमी और मलाईदार बन जाए। इधर एक बात का ध्यान दें कि अगर आप इसमें शक्कर डाल रहे हैं तो इसमें आखिरी में फ्लेवर के लिए 2 कुटा हुआ इलायची ज़रूर डालें या केसर डालें, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि खजूर के गुड़ का अपना एक फ्लेवर होता है। तो अब इसे ठंडा कर लें। तो अब आप देख सकते हैं कि खीर बिल्कुल से थिक हो चुकी है। इसके ऊपर मलाई की मोटी परत जम चुकी है और दिखने में कितना यमी लग रहा है। ऐसा मलाईदार, क्रीमी, थिक खीर बनाए, वो भी आसान तरीके से, तो है ना हैरान करने वाली रेसिपी। इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये नॉर्मल टेम्परेचर में ठंडा करने पर भी ये खीर थिक हो जाती है और साथ ही बिल्कुल से दानेदार बनी रहती है। तो चलिए इसे मैं एक कांच के बाउल में सर्व कर ले रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, खीर ज़्यादा गाढ़ी लग रही है तो आप खीर में थोड़ा सा दूध डालकर इसे थोड़ा पतला कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, आपके सामने सुपर डिलीशियस साबूदाने का खीर बन के रेडी हो चुका है। इस खीर को कोई भी व्रत के लिए बना सकते हैं, घर पर आए स्पेशल मेहमानों को झटपट से बनाकर दे सकते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय करें। मैं इतना 100% दावे के साथ बोल रही हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।